नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। आसिम रियाज बिग बॉस के फाइनलिस्ट और सिद्धार्थ शुक्ला जब बिग बॉस सीजन 13 को जीते थे तब रनर अप रहे, फर्स्ट रनर अप आसिम रियाज। अब वो चर्चा में आ चुके हैं, ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और लगातार लोग उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या है कारण आपको बताएं तो, दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु के बाद शहनाज गिल ने अपने आप को प्राइवेट कर लिया था। वो किसी भी गतिविधियों से, सोशल गतिविधियों से, किसी भी टिप्पणी शक्ति की टिप्पणी और तमाम चीज़ों से दूर रही थी और अपने आप को उन्होंने कैद कर लिया था, जिसके बाद उनके परिवार ने उन्हें उस दुख से बाहर आने में मदद की। और अब शहनाज गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको ये जानकारी दे दें कि उनके मैनेजर की एंगेजमेंट पार्टी थी और उसी दौरान शहनाज गिल उसमें शामिल हुई और फिल्म का गाना है झिंगाट, उस गाने पर वो डांस करते हुए नज़र आ रही है और वो वीडियो वायरल हो रही है। तभी आसिम रियाज ने उसको लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि लोग अपने दुख से बेहद जल्दी बाहर आ जाते हैं, अपने जो चाहने वाले होते हैं उनके जाने का दुख से वो बेहद जल्दी उभर जाते हैं, तो ये देश नया देश है, नई दुनिया है, क्या बात क्या बात। इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया और जिसके बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया, अपना फीडबैक देना शुरू कर दिया और आसिम रियाज की चुटकी लेते हुए लोग उन्हें कोसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल से शशांक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, नथिंग नहीं टेल मी वन थिंग, कि अगर वो लगातार पार्टी में इनवाइट हो रही हैं, अगर उन्हें इनवाइट किया गया है तो क्या वो वहाँ पर रो धो के बैठे? तुम्हारे हिसाब से क्या वो हर वक्त, हर दिन, हर रात वो रोती रहे? वो कहीं भी जाए, किसी भी पार्टी में जाए, वो क्या वो रोती रहे? आप यही चाहते हो? आप बेशर्मो जैसे ट्वीट करना बंद करो एंगेजमेंट पार्टी के चक्कर में। इस तरीके के तमाम ट्वीट किए गए। वहीं कई लोगों ने लिखा कि कौन है तू उसके लिए क्या बोलने वाला, चुप बैठ थकेले, इस तरीके से ट्वीट किए गए शेमून आसिम रियाज। ये लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं कुछ लोगों ने लिखा यार दिमाग फट जाएगा गुस्से से, इस तरीके के ट्वीट किए गए और लगातार लोग आसिम रियाज पर तीखी टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये नया मामला रुक ले चुका है। वहीं हम आपको बता दें कि आसिम रियाज का नया गाना भी आ रहा है और उसका टीजर भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करके और तमाम अपलोड करके लोगों को जानकारी दी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी तमाम जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।